हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरीके से शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए देखिए, दो मैं शिमला मिर्ची ली हूँ, इसको धो ली हूँ, धो के साफ़ कर ली हूँ। अब हम इसको काट लेंगे। देखिए इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। आप लोग भी ज़रूर से बनाना एक बार मेरे तरीके से। देखिए इसका बीज जो है निकाल लेंगे, बीज वाला, और इस तरह से देखिए काट के तैयार कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से पतला पतला लंबे में काट के तैयार कर लेंगे, इसे फिंगर के जैसे। और इसी तरह से सारे को हम काट लेते हैं। ये देखिए सारा मैंने काट लिया। चलिए अब हम बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए मैं कढ़ाई रख ली हूँ, गरम हो गया है, और दो चम्मच इसमें मूंगफली डालेंगे। आप जितना बना रहे हैं आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। ऐसे अंदर से अच्छे से पक जाएगा। आप लोग भी बनाना इस तरह से, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। अब हम इसमें 4 से 5 कली लहसुन डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे हम। और इनको भी इसके के साथ हम भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच भर के कोकोनट बुरादा, नारियल का बुरादा मैं डाल रही हूँ। आपके पास घर में अगर नारियल होगा तो आप उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो काट के भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे कलर चेंज होने तक। ये देखिए मैंने भून लिया। अब इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। और चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं। देखिए उसी कढ़ाई को मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए। गर्म हो गया है और 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल डालेंगे। तिल को अच्छे से गरम कर लेंगे और 1 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने देंगे। देखिए राई अच्छे से चटक गया है। और मैं 1 इंच अदरक है उसको बारीक काट के डाल रही हूँ। और 2 हरी मिर्ची है इसको भी बारीक काट रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्ची ले सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना पसंद है। और 1 चुटकी हींग डाल देंगे। और 1 प्याज है इसको मैं पतला पतला काट ली हूँ, इसको भी इसमें डाल देंगे। और कलर चेंज होने तक प्याज को अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखिए क्या प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का पिंक कलर हो गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 1 छोटा साइज का टमाटर है उसको मैं बारीक काट ली हूँ। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जैसे टमाटर भी गल जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा नमक डालने से। और इसको अच्छे से मिला लेंगे और पकने देंगे। और इसमें अब हम मसाले भी डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर आएगा, तीखा नहीं होगा। अगर आपको और तीखा खाना पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर मैं डाली हूँ चटपटा बनाने के लिए। इसके जगह पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और गैस को फ्लेम लो रखेंगे, मसाले को इसी तरह से भून लेंगे। और अब हम शिमला मिर्ची भी डाल देंगे कटा हुआ, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मिला के हम लो फ्लेम पर ढक के 2-3 मिनट इसको पका लेंगे। इसे मसाला भी भुना जाएगा। देखिए 2-3 मिनट मैंने पका लिया है, ज़्यादा नहीं पकाना है। शिमला मिर्ची थोड़ा क्रंची रहता है तभी अच्छा लगता है खाने में। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, वो मूँगफली वाला। देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं बचा दी हूँ इस मसाला को। आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होगा फ्रिज में। अगर और भी कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा बच गया है, मैं इसको रख लूँगी। ये देखिए सारा मिला देंगे। देखिए कितना खिला खिला सब्जी बन के तैयार हुआ है। इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, चपाती, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।